Last part of the first chapter is risk and return. See, every financial decisions have two elements in it. First is risk and then is return. What is risk? Risk is nothing but variability in returns. Variability in returns का मतलब क्या होगा? और variability in expected return. भाई जो हम एक project से या एक investment से जो return expect कर रहे हैं, उसमें जो भी फ्लक्चुएशन आएगा, वेरिएबिलिटी आएगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिस्क. ठीक है, वी कॉल इट एज रिस्क. एंड इन दिस रिस्क बेसिकली हम जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट या इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट में करते हैं, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, हम रिस्क को जनरली स्टैंडर्ड डेविएशन से मेजर करते हैं. स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, ये आप आगे पढ़ेंगे जब हम चैप्टर्स करेंगे. और रिटर्न क्या होता है कि भाई जो भी आपको इनकम गेन लॉस कुछ हो रहा है कोई भी प्रोजेक्ट से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिटर्न. फाइनेंशियल मैनेजमेंट में और फाइनेंशियल मैनेजर को हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि दे शुड स्ट्राइक अ बैलेंस. रिस्क और रिटर्न में बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि जनरली मार्केट में कॉमन सेइंग होती है, हाई रिस्क हाई रिटर्न. जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिटर्न. लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का या फाइनेंशियल मैनेजर का क्या काम है कि दैट ही शुड स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न. दोनों के बीच में बैलेंस स्ट्राइक करना चाहिए. और बैलेंस स्ट्राइक होने से क्या होगा? वी विल एज्यूम कि जहां पर रिस्क और रिटर्न को हम बैलेंस करेंगे, वहां पर शेयर का प्राइस क्या होना चाहिए? मैक्सिमम. तो इसका मतलब मैक्सिमम शेयर प्राइस. अगर हम रिस्क और रिटर्न को टैकल कर लें, बैलेंस स्ट्राइक कर लें, तो एट दैट पॉइंट द शेयर प्राइस शुड बी मैक्सिमम विद मिनिमम पॉसिबल रिस्क. भाई हम यही चाहते हैं कि हमें मैक्सिमम रिटर्न मिले और रिस्क क्या हो? मिनिमम, मिनिमम रिस्क. दैट इज द गोल ऑफ एवरी इन्वेस्टर और इवन द फाइनेंस मैनेजर. अब मान लीजिए अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, उसके लिए आपने कोई बोरोइंग करी, लोन लिया, तो आपको पहले ये चेक करना चाहिए कि ये जो मैंने लोन लिया है उस पर जो मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं या उस प्रोजेक्ट से जो मुझे रिटर्न्स आएंगे, क्या मेरे रिटर्न्स इतने सफिशिएंट होंगे कि मैं इंटरेस्ट का अमाउंट इजीली पे कर सकूं. तो आपको हमेशा क्या करना चाहिए? यू शुड स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न. सो ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट है. सो लेट अस राइट द नोट्स ऑफ इट. ये कॉमन सा टॉपिक है, ये नॉर्मल टॉपिक है, आप इसको एक रीडिंग दे सकते हैं. तो लिखिए, एवरी फाइनेंशियल डिसीजंस, एवरी फाइनेंशियल डिसीजंस हैज टू एस्पेक्ट्स, has two aspects, that is risk and return. Risk and return, full stop. There is a risk in every decision. भाई जो भी decision आप लेते हो, जनरली उसके अंदर रिस्क तो होता ही है, चाहे रिस्क कम हो चाहे ज्यादा हो. फुल स्टॉप. इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिस्क इज डिफाइंड एज, रिस्क इज डिफाइंड एज वेरिएबिलिटी. वेरिएबिलिटी का मतलब होता है फ्लक्चुएशंस. वेरिएबिलिटी इन एक्सपेक्टेड रिटर्न. वेरिएबिलिटी इन एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट. फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, फुल स्टॉप. और यू कैन से वेयर एज, वेयर एज return is measured as total gain
टोटल गेन और लॉस एक्सपेक्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट फुल स्टॉप. नाउ यू कैन चेंज द पैराग्राफ. अ फाइनेंस मैनेजर कैन नॉट अवॉइड द रिस्क. भाई आप रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते. कैन नॉट अवॉइड बट ही इज रिक्वायर्ड टू स्ट्राइक. और इसको ट्रेड ऑफ भी बोलते हैं. ट्रेड ऑफ का मतलब ही स्ट्राइक होता है. टू स्ट्राइक और ट्रेड ऑफ द बैलेंस बिटवीन जो अभी आपको बताया था मैंने एक्सप्लेनेशन में, रिस्क एंड रिटर्न फुल स्टॉप. एट दिस लेवल का मतलब जहां पर बैलेंस हो गया. एट दिस लेवल द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर will be maximized at a minimum possible level of risk ठीक है. एग्जाम्पल वही जो मैंने भी आपको समझाया था. फॉर एग्जाम्पल the borrowing for financing a profitable project has to be weighed against its ability आप इसे में ऐसे लिखिए against its effect on the ability of the firm to repay its lenders lenders को repay करना and providing satisfactory returns to the shareholders. तो कहने का मतलब क्या है भाई, रिस्क एंड रिटर्न आप मेजर कीजिए. आपने कोई प्रोजेक्ट, एक प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है, उसके लिए आपने बोरोइंग की, तो आपको ये चेक करना है. जैसे मैंने आपको इंटरेस्ट और रिटर्न्स का एग्जांपल बताया था कि आपको वेटेज वे करना है कि भाई जो मैं ये प्रोजेक्ट ले रहा हूं और जिसके लिए मैंने ये बोरिंग ली है, क्या फर्म की एबिलिटी है कि मैं उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट्स भी दे पाऊंगा लेंडर्स को और शेयर होल्डर्स को सेटिस्फैक्ट्री रिटर्न्स भी पे कर पाऊंगा. तो ये एग्जांपल था रिस्क एंड रिटर्न का. ठीक है, इसको कई बार पेपर में रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ भी बोल देते हैं. रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ, तो अगर मान लीजिए शॉर्ट फॉर्म आ जाता है उसमें, तो आप ये लिख सकते हो.
साथ में इसका एक डायग्राम भी आप बना देना, आप ये लिख लीजिए, मैं इसको रख करके आपको डायग्राम बनवाता हूँ, वो भी एक्सप्लेनेशन में काफी अच्छा रहता है। आप इसको पॉज करके लिख लेना, बिकॉज मैं अभी इसको रब कर रहा हूं एंड वी आर मूविंग अहेड। वैसे तो साथ साथ में डिक्टेट भी करता हूं, तो आप बिना देखे भी लिख सकते हैं सुनते हुए भी। तो आप इसमें एक डायग्राम बना देना, इसकी एक्सप्लेनेशन और ज्यादा वैसे हो जाएगी इफेक्टिव। सबसे पहले आप देख लीजिए डायग्राम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें फाइनेंशियल डिसीजंस, फाइनेंशियल डिसीजन जो हमने तीनों लिए थे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, और अगर कोई और डिसीजन लेना पड़ता है फाइनेंशियल मैनेजर को तो वो। लेकिन ये जो डिसीजंस हैं ये उसको किस में लेने पड़ेंगे, विद रिस्पेक्ट टू लीगल, लीगल एंड प्रोसीजरल कॉन्स्ट्रेंट। भाई जो लॉ है, एक्ट है, ठीक है, एक्ट है, उसके उसमें लेने पड़ेंगे। ये नहीं कि सारे डिसीजंस अपने हिसाब से ले लिए, जो लॉ कहता है, जो कंपनी एक्ट कहता है, जो भी एक्ट कहता है उसके रेलेवेंस में आपको ध्यान रख के डिसीजन लेने पड़ेंगे। लेकिन डिसीजन किसके रिगार्डिंग लेने पड़ेंगे, जो भी आप डिसीजन लोगे, अभी आपको बताया था वो दो तरीके से आपको इफेक्ट करता है, एक होता है रिस्क और एक होता है रिटर्न। भाई ये जो भी डिसीजन आप लोगे प्रोजेक्ट के लिए या किसी चीज के लिए भी, वो किसको इफेक्ट करेंगे, रिस्क एंड रिटर्न, और वो अल्टीमेटली किसको इफेक्ट करेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म, मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म, ये इसको इफेक्ट करेंगे। रिस्क एंड रिटर्न किसको इफेक्ट करेंगे, रिस्क, मार्केट वैल्यू ऑफ दी फर्म। तो दिस इज यू कैन मेक। भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन काम क्या है, फाइनेंस मैनेजर का, टू टेक दीज डिसीजंस, लेकिन विद लीगल बाइंडिंग्स एंड प्रोसीजरल जो फॉलो होगा वो करना पड़ेगा। अल्टीमेटली ये क्या करेंगे, रिस्क और रिटर्न को अफेक्ट करेंगे, जो किसको अफेक्ट करेगा, मार्केट वैल्यू ऑफ दी फर्म। तो ये एक्सप्लेनेशन को कंप्लीट कर देता है, आप इसको कॉपी कर लीजिए। यहां मेरा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जो आपको बेसिकली थ्योरी आउटलुक देता है। अब इसके बाद हमारे सारे प्रैक्टिकल चैप्टर्स स्टार्ट होंगे, लेकिन प्रैक्टिकल चैप्टर्स में मैंने पहले थ्योरी एक्सप्लेन की हुई है, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाए हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिखे हुए हैं, आप वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हो, वरना मैंने बोर्ड पे भी लिखे हैं। जैसे जैसे मैंने कॉपी किया आप भी सेम प्रोसीजर से करिए, क्वेश्चन आंसर एक नोटबुक बना लीजिए, उससे फिर आपको लाइफ लॉन्ग वो हेल्पफुल रहेगी, चाहे आप ग्रेजुएशन करें चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन करें, उसमें हेल्पफुल रहेगा। थ्योरी को भी जरूर देखिए, थ्योरी भी पढ़िए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। थैंक यू।